एमपी में एक बार फिर शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। छतरपुर में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलती एक तस्वीर सामने आई, जहां एक मां को अपने बेटे को हाथ थैले पर लेटाकर अस्पताल ले जाती हुई दिख रही है। मां की बेबसी इतनी, वो अपने बेटे के इलाज के लिए जब तक अस्पताल पहुंची, उसने दुनिया छोड़ दी। उसके बाद भी परिवार वालों को अस्पताल से एक एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई। परिवार वाले शव को उसी हाथ ठेले से वापस घर ले जाने पर मजबूर हो गए। दरअसल 30 साल के महेंद्र बंसल की पीठ में ट्यूमर था, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी। परिवार वाले पैसे की कमी होने की वजह से नजदीकी अस्पताल में महेंद्र बंसल को लेकर पहुंचे। हमारे संग को उगने तो हमारे हाथ में पैसा नहीं थे, हमने कहीं कछु होने पे था हो जाए तो फिर हम कैसे करें, कहाँ जाए, इसे हम घबराहट के मारे लेके आ गए। कितनी साल की उम्र है की हमारी, इसकी क्या नाम है इनका? महेंद्र। इस मामले में बीएमओ की माने तो उनके परिवार ने शव वाहन की मांग ही नहीं की थी। जैसे ही हमें जानकारी लगी, वैसे ही शव वाहन की व्यवस्था कराई गई। लेकिन वाहन आने से पहले ही परिजन शव को हाथ ठेले पर लेकर चले गए। जैसा कि सर, आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मरीज आया ठेले पर और उसकी मौत होने के बाद वो ठेले से ही घर गया है, क्या मामला है ये? चूँकि वो एक कैंसर का पेशेंट था, उसको ट्यूमर था, उसके लिए कई दो बार तीन बार यहीं से मेरे द्वारा उसको रेफर किया गया। बाहर के डॉक्टर्स ने भी उसके लिए मना कर दिया था। उसका इलाज दमोह में भी चलता रहा, जबलपुर में भी चलता रहा, शायद वो भोपाल भी गया हुआ है। वहाँ के डॉक्टर्स ने उसके लिए मना कर दिया है, क्योंकि वो बहुत ही गंभीर हालत में यहाँ पर आया था। क्योंकि अपने जो डॉक्टर्स थे और मेरे द्वारा भी उसको देखा गया और उसकी मृत्यु हो गई थी, और जैसे ही अपने उसको मृत घोषित किया, उसके परिवार जन उसको लिया। एमपी में ये घटना पहली बार नहीं थी, इससे पहले भी कई बार स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती तस्वीरें सामने आ चुकी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार गरीब परिवार के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनवा रही है, जिससे कि गरीब परिवार का तुरंत और बेहतर इलाज हो, लेकिन इसका लाभ लोगों को मिल ही नहीं पा रहा। गरीब आज भी कुछ पैसों के लिए अपनी जान गंवा रहा है। छतरपुर से लोकेश चौरसिया की रिपोर्ट।